हेलो दोस्तों, मैं होम्योपैथी फिजिशियन डॉक्टर अतीक अहमद। आज हम देखते हैं विटामिन डी के बारे में शेयर करते हैं। तो विटामिन डी क्या होता है, इसके सोर्स क्या होते हैं, इसकी डिफिशियंसी से यानी कमी से कौन सी प्रॉब्लम होती है, और इसकी सोर्स क्या होता है, कैसे इसको पूरा होती है बॉडी में, और बॉडी में डेली इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, तो इस सब के बारे में हम शेयर करते हैं। तो विटामिन डी जो होती है एक फैट सॉल्युबल विटामिन होती है, और इसको कैल्सिफेरॉल कहते हैं। इसका मेन सोर्स जो होता है वो सनलाइट होता है। अगर हम सनलाइट में 5 मिनट डेली जो है सुबह की सनलाइट में अगर हम जो है बैठे थोड़ा 5 मिनट डेली, तो हमारी बॉडी में जितनी जो है कैल्शियम जरूरत होती है वो बॉडी जो है में पूर्ति हो जाती है। तो विटामिन डी का मेन फंक्शन क्या होता है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करना। यानी कैल्शियम और विटामिन डी जो होता है मेन देखें तो बहुत ही रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। यानी अगर कैल्शियम की कमी रहती है तो यानी विटामिन डी भी पूरी जब बॉडी में नहीं होती है तो फिर कैल्शियम की भी कमी होने लगती है। तो इसलिए कैल्शियम और विटामिन डी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। यानी विटामिन डी अगर भरपूर मात्रा में रहती है तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो जाता है बॉडी में, और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन जब अच्छे से हो जाता है तो हमारी बॉडी में कैल्शियम की भी कमी नहीं होने पाती, यानी कैल्शियम बराबर अमाउंट में बनी रहती है। तो अब हम देखते हैं कि विटामिन डी की डिफिशियंसी से कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है। तो मेनली जो होती है जो कैल्शियम की कमी से प्रॉब्लम होती है, सिम्टम होते हैं, वही विटामिन डी की कमी से होती है। जैसे बच्चों में रिकेट्स की प्रॉब्लम हो जाती है कैल्शियम की कमी से, विटामिन डी की कमी से, और बड़े लोगों में जो है ऑस्टियोमलेशिया की प्रॉब्लम हो जाती है, और एडल्ट में खास करके ये जो है फीमेल्स में होती है, और फीमेल्स में भी खास करके अगर देखा जाए तो मोस्टली प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मैमल में, यानी जो लेडीज़ें प्रेग्नेंट रहती हैं उनमें, और जो दूध पिलाने वाली माताएँ होती हैं, लेडीज़ होती हैं, उन लोगों में ज़्यादा जो है इसकी डिफिशियंसी देखी गई है। और इसकी कमी से देखें तो वीकनेस हो जाती है। जैसे कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो गई है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी रह रही है, तो कैल्शियम की कमी से भी, यानी विटामिन डी की कमी से जो है वीकनेस भी हो जाती है, जॉइंट पेन रहता है, क्योंकि विटामिन डी का डायरेक्ट रिलेशन कैल्शियम से होता है, तो कैल्शियम की कमी होती है इसके मतलब कि विटामिन डी कम हो जाता है, विटामिन डी भी कम रहता है तो कैल्शियम की कमी हो जाती है। इस तरीके से जॉइंट पेन में भी इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है, यानी विटामिन डी भरपूर मात्रा में बॉडी में रहती है तो जॉइंट पेन नहीं होने पाता है। आजकल की लाइफ में देखिए तो लोग जो है बच्चे हैं जैसे वो इंडोर गेम में खेलते हैं, बाहर नहीं खेलना पसंद करते हैं, बड़े लोग भी हैं तो वो टोटली जो है एसी में यानी अंदर वो भी बने रहते हैं, सनलाइट के एक्सपोजर में नहीं हो पाते हैं, तो इस तरीके से हमारी बॉडी में या बच्चों की बॉडी में जो है फिर विटामिन डी की कमी, और विटामिन डी से फिर कैल्शियम की कमी बनी रहती है। तो इस तरीके से आजकल जॉइंट पेन आमतौर पे देखा गया है, जॉइंट पेन है, बैकएक है, यानी कमर दर्द है, ये सब प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आज की लाइफ में जो है लोग जो है इंडोर में ज़्यादा रह रहे हैं, घर के अंदर ज़्यादा रह रहे हैं, एसी में रह रहे हैं, बाहर सन के एक्सपोजर में नहीं हो पाते हैं, घर से बाहर निकले तो गाड़ी में एसी, घर में एसी, इस तरीके से उनको जो है सनलाइट नहीं हो पाता है। सनलाइट ना होने से भी विटामिन डी की कमी रहती है, विटामिन डी की कमी की वजह से फिर कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिससे तमाम प्रॉब्लम होने लगती है। इसमें नेक्स्ट सिम्टम देखें तो कुछ मेंटल सिम्टम भी आने लगते हैं, जैसे चिड़चिड़ाहट ज़्यादा हो जाती है, इरिटेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, और निगेटिव फीलिंग मन में निगेटिव फीलिंग आने रहती है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम होने लगती है, और देखें तो गंजापन यानी हेयर फॉलिंग की प्रॉब्लम भी आती है, और जो है स्किन की प्रॉब्लम आ जाने लगती है, यानी जो है एक्जिमा है, सोरियासिस है, यानी चर्म रोग जो होता है, चर्म रोग की प्रॉब्लम भी विटामिन डी की कमी से होने लगती है। और बच्चों में देखें तो इम्यूनिटी उनकी वीक हो जाती है, जिससे जो है आए दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, बैक्टीरियल, वायरल और इस तरीके की प्रॉब्लम उनको होती रहती है। तो इस तरीके से विटामिन डी की कमी से हमारी बॉडी में तमाम प्रॉब्लम होती है। इसका अगर सोर्स देखें तो मेन सोर्स होता है सनलाइट होती है, यानी सनलाइट के एक्सपोजर में अगर हम डेली 5 मिनट दे रहे हैं अपनी बॉडी को, तो हमारी बॉडी में जितनी विटामिन डी की ज़रूरत होती है वो पूरी होती रहती है। और सनलाइट के अलावा अगर देखें तो मेनली एनिमल फूड में ज़्यादा होती है, जैसे फिश है, एग है, और जो है लीवर है, और मिल्क है, और मिल्क प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से जो ये फूड होता है और सनलाइट होती है, इसमें विटामिन डी इस
काफ़ी मात्रा में मिलती है। अब देखें स्टोरेज, अगर देखें तो विटामिन डी का स्टोरेज कहाँ होता है, यानी फैट सॉल्युबल विटामिन होती है तो ये फैटी टिश्यू में होता है और लीवर में इसका स्टोरेज होता है। विटामिन डी की डेली रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में क्या होती है, तो हमारी बॉडी में जो है डेली रिक्वायरमेंट जो है विटामिन डी की होती है एडल्ट में 2.5 माइक्रोग्राम होती है, 2.5 माइक्रोग्राम एडल्ट में होती है, इन्फेंट और चिल्ड्रेन में 5 माइक्रोग्राम होती है, और लेडीज़ में खास करके जो है लैक्टेटिंग लेडीज़ और जो है प्रेग्नेंट लेडीज़ में, यानी जो बच्चों को दूध पिला रही हैं लेडीज़ या जो है जो प्रेग्नेंट हैं उनमें जो है 10 माइक्रोग्राम डेली की रिक्वायरमेंट होती है। इस तरीके से हमने जो विटामिन डी के बारे में शेयर किया है उसको एक दूसरे को शेयर करें, जिससे एक दूसरे को जानकारी मिल सके, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।